उधर किसान नेता राकेश टिकैत जो है वो ताजनगरी आगरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने किसानों के हित में बयान देते हुए कहा कि किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, किसानों के लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी तक नहीं है। पॉलिसी यह है कि किसानों की जमीन कैसे ली जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार 20 मार्च को दिल्ली में पंचायत होगी जहां किसान ट्रैक्टर से नहीं बल्कि अन्य वाहन और ट्रेन से भी पहुंचेंगे। देखो, बड़ी समस्या किसानों की फसलों के दाम का एक बड़ा सवाल है। ये क्षेत्र जहाँ पर हमारी आलू की पूरी बेल्ट है, ये सरसों की बेल्ट है, इसमें गेहूं पैदा होता है, लेकिन दाम नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून जब तक नहीं मिलेगा और सब फसलों पे गारंटी नहीं होगी तो उसका नुकसान होगा। जैसे आलू की लगा लो तो एक साल रेट ठीक रह जाएगा और 5 साल रेट डाउन रहेगा। सरकारों की कोई पॉलिसी नहीं है। सरकारों की पॉलिसी है कि किसान की जमीन कैसे छीननी जाए, ये एक बड़ी पॉलिसी बन रही है। बिजली की समस्या है तो ये बड़ी समस्याएं है। भाव नहीं है, बिजली नहीं है, ये समस्या। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें दावा किया जा रहा है कि वो मार्च में एक किसान महापंचायत दिल्ली में होने जा रही है, उसकी तैयारी किस तरीके की है इस वक्त? तैयारी है, 20 मार्च की पंचायत होगी, लेकिन उससे लोग ट्रेन से अपनी गाड़ियों से जाएंगे, ट्रैक्टर उसमें नहीं जाएंगे। वो दिल्ली के अंदर होगी मीटिंग और वहीं जाकर पता चलेगा वो, और तो लेकिन वो बड़ी पंचायत होगी। क्या मुद्दे अहम तौर पर? मुद्दे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी गारंटी कानून, जमीन अधिग्रहण का पूरे देश में एक बड़ा मामला चल रहा है, वो चाहे सड़क के नाम पर जमीन हो। और बहुत जगह तो ये है कि अब इन्होंने दान पात्र का भी एक क्लोज डाल दिया, फर्जी तरीके से लोगों की जमीन लेते हैं जहां पे आंदोलन नहीं है और एक क्लोज डाल देते हैं कि इसने जमीन हमको दान में दी। ना गांव की सहमति है, ना उस किसान की सहमति है। आगरा में आलू का हब है, ऐसे में किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए, उसके लिए मोदी जी भी कह चुके हैं बड़े मंच से, क्या मानते हैं? कह ही तो रहे ना, करेंगे तो नहीं ना भाई, कह रहे। ये सबसे पहले एग्रीकल्चर एक कमेटी बनेगी इनकी, क्योंकि देश में कोई भी एग्रीकल्चर का मंत्री नहीं है, कृषि मंत्री नहीं है। 18 विभाग इस एग्रीकल्चर सिस्टम को देखते हैं। तो जैसे ही हालात यहाँ के आलू के किसान की है, क्योंकि देश में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी जनसंख्या है, कितना हमको आलू चाहिए, कितने क्षेत्रफल।